हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सिद्धू साहब। यह प्लस वन फिजिक्स की सीरीज की पहली वीडियो है। इस दे विच आपां अज गल करांगे यूनिट जीरो फिजिक्स की, जो कि है मैथमेटिकल टूल्स। हाँ, वैसे तो जो अपना सिलेबस है यूनिट वन तो ही स्टार्ट होंदा है प्लस वन का फिजिक्स का, बट फिजिक्स नूं पढ़ने वास्ते आपां नूं कुछ मैथमेटिकल टूल्स ने जिहड़े मैथ कहिंदे ने आपां सिंपली, उसदे बारे थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहीदी है जो आपां दसवीं तक पढ़िया, ते कुछ जो नवा आउण वाला है कुछ ग्यारहवीं दे विच आपां ने पढ़ना है। जेकर आपां इह मैथमेटिकल टूल्स चंगी तरह पढ़ लैंदे हां तां आपां नूं जो फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स के आर्टिकल्स ने, नमेरिकल्स ने गे, है ना, वो करने बिल्कुल आसान हो जाएंगे। नहीं या फिर आपां नूं की है, फिजिक्स थोड़ी जी औखी औखा सब्जैक्ट लगन लग जाता है, खास करके मैडिकल वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने प्लस वन के मैथ छड़ना होंगे, उन्होंने मैथ च बिल्कुल इंट्रस्ट नहीं होंगे ना, ही वह मैडिकल लेंगे जो घट समझ आता है, तो पर उन्होंने वास्ते फिजिक्स भी फिर औखी बन जाती है जेकर उन्होंने इन्ना क मैथ नहीं आता। तो तुम्हें की करना गा, यह मैथमेटिकल टूल्स जो सिंपल टूल्स ने, दसवीं तक का मैथ ही एक तरह का, कुछ के दो टॉपिक ने जो प्लस वन के इंट्रोड्यूस हो गए, यह अपने चंगी तरह पढ़ने ने, इन्हें रिविजन करनी है कि जिन्ना क अपनी फिजिक्स के अपलाई हो सिर्फ अपने उन्ना ही पढ़ना गा, ठीक है। बाकी काम जो मैथ का गा, मैथ वाले पढ़ने के, ठीक है। मैथ तो बहुत बड़ा एक सबजैक्ट है, उसनों आप पढ़ नहीं सकते, बट फिजिक्स आप सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के जो आर्टिकल्स ने गए, इसके जो क्वेश्चन ने फार्मूले बनाने के लिए, आपको मैथ तो बिना काम नहीं चल सकता, यह गल है। तो मैथ आपको थोड़ा बहुत तो सीखना पैना गा, इस तो भजन की लड़ नहीं, ठीक है। कुछ आप दो चार क्लासेस के दो चार वीडियोज़ के आप मैथ बारे चंगी तरह नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, तो फिर आपको फिजिक्स के कोई डर नहीं लगेगा, आप आराम नाल फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो इस पढ़ना है मैथमेटिकल टूल्स के यूनिट जीरो कह सकते आप इसको। ये सब तो पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे ने गए दो घाती समीकरण पंजाबी दे विच, जिन्होंने मीडियम दे विच पढ़िया है पहला टेंथ दे विच, तो दो घाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे आपने पढ़ना, उसके बारे नॉलेज होनी चाहिए है। बाइनोमियल थ्योरम सैकंड पॉइंट है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम एक प्लस वन के मैथ के इंट्रोड्यूस होंगे है कि ये आपको फिजिक्स के भी कितने कितने लोड़ पैंती है कि इसका फार्मूला लगता है, तो आप इसका एक फार्मूला ही अपलाई करना सीखना, ठीक है। तीजे नंबर का लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स जो लॉग टेबल है वो बारे शायद तुम दसवीं तक सुने हो, तो लॉग एंटी लॉग ये अपने पता करना होना चाहिए गा, ये भी अपने फिजिक्स के यूज होंगे रहता गा, तो कमिस्ट्री भी यूज होंगे कई बार ये, ठीक है। अगे है ट्रिगनोमैट्री, ट्रिगनोमैट्री अपने टी रेशियो पढ़िया है टेंथ तक, साइन कॉस थीटा टैन थीटा, है ना, यह सारा कुछ एंगल वगैरह, है ना, भी किन्ने डिग्री 60 डिग्री तक किन्ना होता, 30 डिग्री तक किन्ना होता, यह सारा कुछ अपन ट्रिगनोमैट्री के पढ़ना गा, तो इस आना चाहिए। ती अगला है पांचवें नंबर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगला है इंटीग्रेशन, ये जो दो टॉपिक ने यह प्लस वन टू के मैथ के इंट्रोड्यूस होंगे ने, वैसे मैथ की जो आप गल करिए नॉन मैडिकल वाले स्टूडेंट्स ने, उन्होंने प्लस टू के सिलेबस के आते हैं, बट आपको फिजिक्स के प्लस वन तो ही इन्हों की नॉलेज लेनी पेगी, ठीक है। तो चाहे मैडिकल वाले स्टूडेंट्स ने, चाहे है कि नॉन मैडिकल वाले, ये सारे छे के छे चीज़ा आपने हमने सीखनी ने, फिजिक्स प्लस वन की पढ़ने तो पहला सीखनी है, ठीक है। ये प्लस टू के मैथ के डिटेल के आप जिनी क फिजिक्स वास्ते लोड़ है आप उन्ना क सीखेंगे, ताकि अपना फिजिक्स के कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो इन छे के छे टॉपिक्स में आप स्टैप बाय स्टैप करा इस वीडियोज़ के, ठीक है। हर एक वीडियो ध्यान सुननी है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी, ताकि कोई दिक्कत ना आए फिजिक्स के। अज की इस पहली वीडियो के आप गल करेंगे फर्स्ट टॉपिक बारे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ने दो घाती समीकरण, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह की होंगी है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस तरह की इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दें, जिदे कोई वेरीएबल हों कुछ कॉन्सटेंट ने, ठीक है। वेरीएबल जो एक्स है इतने एक्स के इक्वेशन हो सकती है, किसी किसी जगह पर वाई देशन हो सकती है, जैड के किसी भी वेरीएबल इक्वेशन अपने को हो सकती है, सारिया की सारिया की बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जिम्मे कि अगली एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लेके गल कर देंगे, मान लो आपको थ्री वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, वाई की पावर दो, मैक्सिमम पावर जो दो होगी किसी वेरीएबल की,
एक्स वाई जेड जो भी ठीक है तो उसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो आंसर होता है ए वाली जो जनरल इक्वेशन है अपने को इसका इसके दो सोल्यूशन होते हैं दो आंसर होते हैं ठीक है। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है दो आंसर होंगे जो थ्री डिग्री वाली इक्वेशन आता है तीन आंसर होंगे ठीक है। इस तरह जिन्हें भी अगर इक्वेशन की डिग्री बढ़ती जाएगी उन्नी उसके आंसर सोल्यूशन बढ़ते जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने दो सोल्यूशन होते हैं कि कौन-कौन होते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक तो होता प्लस वाला दूजा होता माइनस वाला प्लस माइनस एंड रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। ये जो ए बी सी ने वो इस इक्वेशन के जिथे थो साफ जिथे जिस जगह पर दिख रहे हैं कॉन्सटेंट्स उ ठीक है एक्स स्क्वेयर के नाल या वाई स्क्वेयर के नाल जो पहला अक्षर लग्या होगा पावर दो वाले दे नाल वो होंगे ए जिहड़ा सिंगल पावर वाले नाल लग्या होंगे बी जिहड़ा बिना पावर के होंगे होंगे सी ठीक है। ये ए बी सी दी वैल्यूज ने इहदे नाल आपां जिन्ने मर्जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कोई मर्जी आ जाए अपने दो आंसर इस तरह ना आपां नूं मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हम एक दो एग्जाम्पल लैके गल करांगे मान लो पहला सवाल अपने को है अपने को सॉल्व करने के लिए आ गया मान लो पहली इक्वेशन अपने को है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो मान लो इस तरह की कोई इक्वेशन अपने को इसका अपना सोल्यूशन पता करना हो तो यह फार्मूला लगावे अपन इसे पहले आप ए बी सी की वैल्यूज नोट कर लेना एक्स स्क्वेयर के अगे जो टर्म है तो वह ए हों जो कुछ नहीं लगे तो वन हों अपने को ए की वैल्यू है वन बी की वैल्यू है माइनस फोर जो माइनस साइन है तो वह नाल लेना ठीक है तो सी की वैल्यू है फोर हम आप इस फार्मूले के पुट कर देंगे वैल्यूज अपने को आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस फार्मूले का आ जो बी की वैल्यू है वो माइनस फोर अलग है प्लस माइनस अंडरूट बी की पावर दो यानी कि माइनस चार की पावर दो माइनस फोर ए सी फोर इंटू ए किन्ना वन इंटू सी किन्ना फोर डिवाइड बाय टू इंटू ए यानी कि वन अपने सोल्व कर दिया माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस अंडरूट ये चार की पावर दो माइनस चार की पावर दो माइनस चार गुना माइनस चार कि हो गया सोलह माइनस आ कि हो गया यह भी सोलह हो गया डिवाइड बाय टू तो सोलह सोलह के जीरो जीरो का अंडरूट जीरो होंगे ये टर्म तो होगी खत्म तो अपने को एक्स की वैल्यू कि आ गई एक बार चार प्लस जीरो बटा दो दूजी बारी आ गई अपने को चार माइनस जीरो बटा दो एक बार प्लस एक बार माइनस तो चार प्लस जीरो भी चार बटा दो ये भी चार बटा दो कैंसल आउट करके कि आ गया दो कौमा दो एक्स के दो सोल्यूशन ने दोनों की ने दो दो तो इस तरह आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी सिंपली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि आह वाला फार्मूला है वह सोल्यूशन होंगे गा ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ आइडिया होना चाहिए कितना कितने ये यूज हो सकते हैं फिजिक्स के उत्ते जरूरी नहीं है कि यह एक्स वाई के होगी टर्म किसी होर वेरीएबल के भी हो सकती है कि वह आप टाइम पर देखना भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसका सोल्यूशन इस तरह होंगे गा इतने ए इन्ना बी इन्ना सी इन्ना गा तो इसे बॉदर करने की लड़ नहीं है कि बस तुम्हें रिजल्ट पता होटिक इक्वेशन बारे पता हो तो उस आसानी सॉल्व कर सकते हो। तो हम जो अगलिया टर्म्स ने अगले अपने टॉपिक ने इस रिलेटेड मैथमेटिकल टूल्स के अगली वीडियोज़ करा सब तो पहला जिन्होंने मेरा चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया फिजिक्स बाय सिद्धू साहब वो मेरे चैनल में सबसक्राइब करो तो बैल आइकन दबाओ ताकि तुहाडे कोल हर वीडियो जो फिजिक्स के प्लस वन के टॉपिक की हर वीडियो तुहाडे कोल पहुँच सके घर बैठे फिजिक्स की तैयारी कर सको। तो मिलते हैं अगली वीडियो के बाय बाय।